ये तो आता ही सर एक होगा क्वेश्चन मेरे भेज ख्याल। देते पहले, सर क्या एक क्वेश्चन भेज थोड़ा देर पहले। हाँ वो? अरे फोर इक्वेशन एंड फोर अननोन्स है। ए क्या 4 डिग्री का है ना? तो 4 डिग्री में यस क्या सर, एज्यूम कर सकते हो? एफ एक्स इज इक्वल टू, एज्यूम कर लेना ए एक्स टू द पावर 4 प्लस बी एक्स टू द पावर 3 प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस ई एज्यूम करोगे 4 डिग्री का है तो बन जाएगा वो वैल्यू, सब दिया हुआ है वही है ना, देखो ना। यस सर। तो सर देखना ट्राई पांच करके, वेरिएबल्स आ रहा है ना, ए बी सी डी ई। 5 वेरिएबल है तो देखना, एक बाद में एलिमिनेट हो जाएगा, डी का जरूरत ना सर पड़े। कुछ शॉर्टकट नहीं है इसका, क्योंकि शॉर्टकट में और तो कुछ कर नहीं सकते हो, सर इस तरह के क्वेश्चन सर बहुत जगह दिखता है। नहीं उसके लिए तुमको शॉर्टकट तो इस क्वेश्चंस में तो नहीं बनेगा, वही प्रोसेस ही दिया हुआ है। उसके लिए दूसरा प्रोसेस के लिए डेटा कुछ चेंज करके दिया हुआ रहेगा तभी बनेगा। 1 मिनट, कहाँ क्वेश्चन था और बैच में? अच्छा फोर, नहीं, और कैसे बनेगा? उसी में कंप्लीट सॉल्यूशन मत करना, हो सकता है कुछ कैंसिल हो इक्वेशन वगैरह, एक एक दो तीन चार इस तरह से यूज करके ट्राई करना, ठीक है सर, ठीक है? और कोई ऑप्शन तो है नहीं, ठीक है? ट्राई यस सर। करना, ओके। चलो बताना क्या है, कंपोजिट फंक्शन या कंपोजिट ऑफ फंक्शन? सर मैं आपको एक लाइन से बताता हूँ कौन सा टॉपिक्स हो गया है, आप बताइए कुछ बचा हुआ है कि नहीं। अच्छा ठीक है, बोलो। सर वन वन फंक्शन, वन ऑन ऑन टू फंक्शन, इन टू फंक्शन, मेनी वन फंक्शन, अच्छा वो सब हो गया, और हाँ ठीक है। ऑड फंक्शन, टाइप ऑफ, इवन फंक्शन, हाँ सर थोड़ा बहुत टाइप्स डोमेन रेंज ऑफ वाला क्वेश्चन सर। फंक्शन, देन पीरियोडिक फंक्शन, जैसे पीरियड फंक्शन हो गया है, फिर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ्स, डोमेन रेंज हो गया है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ, देन इनवर्स फंक्शन हो गया है, इनवर्स फंक्शन हो गया है, ऑड इवन हो गया है, यस सर, और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का ग्राफ हो गया है। सर अच्छा आईटीएफ, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, फिर फ्रैक्शन पार्ट फंक्शन, वो सब तो हाँ टाइप्स ऑफ फंक्शन में आ जाएगा। ग्रेटेस्ट इंटीजर वो यस सर, बेसिक है, वन वन, मेनी वन, ऑन टू, इन टू, सब हो गया ना। यस सर, एक्सप्लिसिट इम्प्लिसिट फंक्शन, अच्छा वो तो ठीक और बेसिक फंक्शनल इक्वेशंस का। है, बेसिक फंक्शनल फंक्शनल इक्वेशंस इक्वेशन ठीक है, तो हो गया है, सिर्फ कंपोजिट फंक्शन ही तो बचा हुआ है। ठीक है सर। ठीक है, तो कंपोजिट फंक्शन में इसमें क्यों नहीं पढ़ाए थे? ये तो कवर हो जाना चाहिए इधर ही, पीरियोडिक तो बोले फंक्शन। थे कभी बाद में बता देंगे। अच्छा बहुत इजी ही होता है, कंपोजिट फंक्शन फॉर टू फंक्शन एफ एक्स एंड जी एक्स, ठीक है? अब इसमें देखो,
ये क्या हो गया, एक्स इनपुट हो गया, ठीक है, यहाँ पे एफ हुआ तो आउटपुट क्या मिलेगा, एफ एक्स। अब ये जी हो गया यहाँ पे, और ये इसका जो आउटपुट मिलेगा, बॉक्स को जी से डिनोट किए हैं, उसका मैकेनिज्म है कि जो इनपुट आएगा उसके करस्पॉन्डिंग क्या देगा, आउटपुट देगा। तो जी ऑफ इसको क्या लिखोगे, एफ एक्स। इसके लिए क्या हो जाएगा, एफ एक्स इनपुट हो जाएगा, ये एफ एक्स जो है इनपुट फॉर जी, इनपुट हो जाएगा। यहाँ पे एक्स क्या हो जाएगा, इनपुट फॉर एफ, इनपुट फॉर जी के लिए। यस और नो? यस सर। जी ऑफ एक्स इसी को और किस तरह से किया जाता है, रिप्रेजेंट गॉफ एक्स भी लिखा जाता है, इसी को लिखेंगे जी ऑफ एफ एक्स, है ना, गॉफ एक्स पढ़ा जाता है और जी ऑफ एफ एक्स, ठीक है। तो जी ऑफ एफ एक्स डिफाइंड हुआ सेकेंड में, एक्स इनपुट हो गया, यहाँ पे जी हो गया, आउटपुट इसका क्या देगा, जी जी ऑफ एक्स देगा। अब ये एफ हो गया, इस फंक्शन में आएगा तो जो आउटपुट देगा एफ ऑफ जी एक्स, ठीक है, इसको लिखेंगे फॉग एक्स। ये क्या हो गया, दो फंक्शन के लिए डिफाइंड हुआ। हो सकता है इसमें क्या होगा, एच एक्स में ये कंप्लीट एक्स के तरह ट्रीट करेगा, इनपुट के तरह, फॉग एक्स है जो इनपुट के तरह ट्रीट करेगा और एच में जाके प्लेस हो जाएगा। तो बेसिकली चेंजेज क्या हुए हैं कि इनपुट एक्स था, जी में देखें जी ऑफ एफ एक्स लिख रहे हैं, तो जहां जहां एक्स आएगा उसको क्या करेंगे, रिप्लेस कर देंगे एफ एक्स से, यही किया जा रहा है ना जी। यस और नो? तो इसमें देखोगे, ध्यान देना, फर्स्ट वाले में क्या देख रहे हैं कि रेंज ऑफ एफ सबसेट किसका होना चाहिए, बोलो, रेंज ऑफ जी सबसेट किसका होना चाहिए जी, डोमेन ऑफ एफ, एग्जैक्टली। तो देखो ये कंडीशंस जनरली बहुत कम ही क्वेश्चंस में यूज करना होता है, ये वाले ध्यान में रखना होता है। मैक्सिमम क्वेश्चंस में क्या होंगे कि डायरेक्टली तुमको यूज कर देना है, एक्स बिलोंग्स टू आर के लिए डिफाइंड रहेगा, बट जो कंपटीशन में क्वेश्चंस आते हैं जनरली क्या करेगा कि इस वाले पॉइंट्स को, बट चांसेस कम ही रहेंगे, हार्डली एक दो क्वेश्चंस, बहुत रेयरली बनाता है, तो वहां पे इस वाले कॉन्सेप्ट को यूज किया जाएगा कि चेक करना होगा कि फंक्शन रेंज ऑफ एफ क्या आ रहा है, वो डोमेन में जा रहा है कि नहीं, वो सेट है कि नहीं, डोमेन ऑफ जी एक्स का सबसेट है कि नहीं रेंज ऑफ एफ एक्स, इस तरह से वो चेक करना होगा। इसके केस में डोमेन ऑफ एफ निकालना पड़ेगा, रेंज ऑफ जी निकालना पड़ेगा, और देखना पड़ेगा कि रेंज ऑफ जी है जो सबसेट है कि नहीं डोमेन ऑफ एफ के, अगर नहीं सबसेट होगा तो वहां पे एफ ऑफ जी एक्स डिफाइंड नहीं होगा। बात समझ में आ रही है ना, क्योंकि सबसेट ही नहीं होगा तो डोमेन में कोई एलिमेंट्स आएगा ही नहीं, तो नहीं आएगा तो वहां पे डिफाइंड ही नहीं होगा। यस और नो? बोलो। यस सर। अच्छा चलो इसमें देख लेते हैं एक एग्जांपल, बेसिक एग्जांपल, कुछ क्वेश्चंस इसका बनाएंगे। एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस वन, जी एक्स इज इक्वल टू टू एक्स माइनस थ्री, फाइंड एफ ऑफ जी एक्स एंड जी ऑफ एफ एक्स, इसको गॉफ एक्स भी बोला जाता है और इसको फॉग एक्स भी बोला जाता है, फाइंड करो।
सर गो ऑफ एक्स है 2x² + 6x - 1 और फॉग एक्स आ रहा है 4x² + 1 - 6x. ओके जी एक्स का स्क्वायर प्लस 3 जी ऑफ एक्स प्लस 1 तो यहाँ पे आ जाएगा 2x - 3 का स्क्वायर + 3 × 2x - 3 + 1. कैलकुलेट कर लेना उसी तरह जी ऑफ एफ एक्स भी कैलकुलेट हो जाएगा. अब देखो इसके बाद एग्जांपल तो ये कॉन्सेप्ट याद रखना ये पीस वाइज के लिए भी जब फाइंड करेंगे तो वहां पे ये यूज होगा ठीक है वो पॉइंट अब ध्यान देना. सेकंड पॉइंट लिख लेना नोट में इन जनरल f of gx fog of x and fog x not equal to g of fx ठीक है. इन जनरल क्या होंगे समटाइम्स क्या होता है इक्वल हो सकता है बट इन जनरल ये दोनों इक्वल नहीं होते हैं. अब ध्यान दो इक्वल कब होगा सोच करके बताओ. बोलो इनवर्स फंक्शन पढ़े हो. यस सर. तो f ऑफ जी एक्स इज इक्वल टू जी ऑफ एफ एक्स ये कब होगा फर्स्ट में f एफ एक्स एंड जी एक्स आर इनवर्स टू ईच अदर. अब देखो इनवर्स जब फंक्शन होगा तो हो सकता है कि x बिलोंग्स टू r के लिए हो समटाइम्स या इन जनरल क्या होगा x बिलोंग्स टू r के लिए वो पर्टिकुलर टाइप में ही होते हैं अदरवाइज क्या होगा सम इंटरवल ऑफ x के लिए ही होगा इनवर्स फंक्शन. वो इनवर्स फाइंड आउट किए हो ना इनवर्स फंक्शन तो क्या होना चाहिए इनवर्स फंक्शन के लिए कंडीशन क्या होता है अरविंद बताओ. कोई भी फंक्शन क्या होना चाहिए सर 1 1 एंड सर वो उतना होना चाहिए सर इंजेक्टिव फंक्शन शायद बोलते हैं 1 1 एंड ऑन टू होना चाहिए. एग्जैक्टली सब्जेक्टिव फंक्शन उसको बोला जाता है 1 1 ऑन टू फंक्शन है ना. यस सर इनवर्स फंक्शन डिफाइंड होने के लिए ठीक है. तो जब इफ एफ एक्स एंड जी एक्स आर इनवर्स टू ईच अदर देन ओनली क्या होगा फॉर सम वैल्यूज ऑफ एक्स यहां पे लिख लेना उसके लिए अलग केस लिखवा दूंगा. फॉर सम वैल्यूज ऑफ एक्स और क्या लिख सकते हो बोलो. स्पेसिफाइड लिख सकते हो स्पेसिफाइड इंटरवल ऑफ एक्स. सेकेंड पॉइंट एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस लैम्डा एंड जी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस यही दो कंडीशंस में क्या आएंगे इक्वल आएंगे जी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस म्यू. तो देखो इसके केस में अगर फाइंड करोगे g ऑफ एफ एक्स क्या आएगा बताओ x प्लस लैम्डा प्लस म्यू आएगा यस और नो. यस सर. f ऑफ जी एक्स क्या आएगा x प्लस लैम्डा प्लस क्या आएगा म्यू ही आएगा दोनों इक्वल हुए हैं मींस ये दोनों का क्या होना चाहिए कोफिशियंट ऑफ x जो होना चाहिए दोनों में 1 ही होना चाहिए. अब प्लस क्या हो जाएगा लैम्डा सम वैल्यू ऑफ क्या आ जाएगा कांस्टेंट वहां पे लैम्डा एंड म्यू बिलोंग्स टू आर ये क्या है कांस्टेंट ठीक है
अब ध्यान दो, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना समझने में। अब क्वेश्चन एक लिखो, एग्जाम्पल टू, इफ एफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी एंड जी एक्स इज इक्वल टू सी एक्स प्लस डी, देन एफ ऑफ जी एक्स इज इक्वल टू जी ऑफ एफ एक्स, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन एफ ए इज इक्वल टू जी सी, सेकेंड ऑप्शन एफ बी इज इक्वल टू जी बी, थर्ड ऑप्शन क्या है, मोर देन वन आंसर होंगे इसमें, एफ ऑफ डी इज इक्वल टू जी ऑफ बी, लास्ट ऑप्शन ए डी प्लस बी इज इक्वल टू बी सी प्लस डी। फाइंड करो, बन जाएगा, एटलीस्ट ट्राई तो करो। देखते नहीं है सॉल्यूशन, आंसर इसका चाहिए। सी और डी, गुड, ठीक है, सी एंड डी आएगा, क्यों ए इज इक्वल टू सी आ जाएगा ना, इक्वेट कर लिए। अच्छा इक्वेट कर लिए, ठीक है। ऐसे भी डायरेक्टली क्या लिख सकते हो, ए इज इक्वल टू सी होगा, यस सर, क्योंकि एक्स प्लस लैम्डा एक्स प्लस बी के फॉर्म में आ जाएगा वैसे। एग्जैक्टली, एफ एक्स जो होना चाहिए वो एक्स प्लस बी होना चाहिए और जी एक्स जो होना चाहिए वो एक्स प्लस डी होना चाहिए, दोनों का कोफिशियंट वन या दोनों का कोफिशियंट सेम होना चाहिए, यस और नो। ठीक है, यहाँ पे वन भी ले सकते हो तो आ जाएगा। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जाम्पल थ्री ट्राई करना। फॉर एक्स बिलोंग्स टू जीरो टू थ्री बाई टू, अगर वन लेते तो ईजिली बन जाता। लेट एफ एक्स इज इक्वल टू स्क्वायर रूट एक्स कॉमा जी एक्स इज इक्वल टू टैन एक्स एंड एच ऑफ एक्स इज इक्वल टू वन माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई वन प्लस एक्स स्क्वायर। इफ, और ये ध्यान रखना कि जैसे एसोसिएटिव होता है, जैसे ये लिखा हुआ है ना, एच ऑफ जी ऑफ एफ एक्स दिस इज इक्वल टू, क्या लिख सकते हो, एच ऑफ जी ऑफ एफ एक्स, इस तरह से भी लिखा जा सकता है, ठीक है, एसोसिएटिव होता है ये ध्यान रखना। इफ ऑलवेज, वो नोट में ही लिख लेना, इफ फाई ऑफ एक्स इज इक्वल टू एच ऑफ एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, देन फाइव पाई बाई थ्री इज इक्वल टू, ऑप्शन दे देता हूं,
चलो वैल्यू बताओ ऑप्शन क्या होगा। ऑप्शन दे दूं क्या? नो सर। टैन पाई बाई 12 बी ऑप्शन, टैन 11 पाई बाई 12 सी ऑप्शन, टैन 7 पाई बाई 12 डी ऑप्शन, टैन 5 पाई बाई 12। चलो सॉल्व करके बताओ। ऑलवेज क्या होता है, जो कंपोजिट फंक्शन होते हैं वो एसोसिएटिव होते हैं। फंक्शन क्या होगा? एसोसिएटिव होगा। सी नहीं सर, ए ए ए दोनों गलत है क्या? दोनों गलत है। अच्छा यस सर, tan ऑफ माइनस फाइव बाई 12 आ रहा है तो tan ऑफ बी होगा आंसर। एग्जैक्टली ठीक है, ओके गुड। एग्जांपल 4, ये जेई एडवांस, ये जेई मेन का पूछा हुआ क्वेश्चन था, ठीक है, जेई एडवांस का। अभी जो बोले थे ये जेई मेन 2019 में पूछा गया था। लेट ये जेई एडवांस का एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, देन द सेट ऑफ वैल्यू, सेट ऑफ all x then set of all x all x satisfying f of g of f x is equal to g of f g of f x where f of g of x is equal to f of g x is a option plus minus square root n pi, n belongs to 0, 1, 2, option plus minus square root n pi, n belongs to 1, 2, c option pi by 2 plus 2n pi, n belongs to 0, 1, 2, D option 2n pi, n belongs to minus 1, 0, 1 and so on. Find out करो तो ये J
एडवांस 2011 में पूछा गया था. अरविंद. यस सर. क्वेश्चन दिख रहा है? यस सर. तो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इस वाले पार्ट से, ऐसा नहीं है. अरविंद, यस सर. क्या नहीं बनेगा? बन जाना चाहिए. तो अलग ही आंसर आ रहा है. क्या आ रहा है देखो साइन एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू एन पाई कॉमा टू एन पाई प्लस पाई बाई टू आ रहा है. क्या आ रहा है? साइन साइन ऑफ एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर साइन ऑफ एक्स स्क्वायर बस. अच्छा, साइन ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, ब्रैकेट के बाहर वाला टू हटा दीजिए. अच्छा ठीक है, साइन साइन ऑफ एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर बस इज इक्वल टू इक्वल्स टू एन पाई कॉमा टू एन पाई प्लस पाई बाई टू. एन पाई कॉमा टू एन प्लस वन, टू एन पाई प्लस पाई बाई टू. ओके तो वही हुआ ना. नहीं सर, फोर एन प्लस वन पाई बाई टू आ जाएगा. अच्छा 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 ठीक है, चलो टू एन पाई प्लस पाई बाई टू. ठीक है, ये सही आ रहा है मेरा. ओके देन ध्यान देना, अगर ये आ रहा है तो क्या लिख सकते हो, जो साइन यहाँ पे कुछ भी रहे कैपिटल एक्स लेस देन इक्वल टू क्या होता है, माइनस वन से वन के बीच में. यस और नो? यस सर. तो माइनस वन से वन के बीच में जब होता है तो ध्यान रहे
यहाँ पे, यहाँ से तो वैल्यू क्या आएगा बताओ, क्या तो क्या रख लिमिटेड सकते हैं? वैल्यूज आएगा, तो एक्स वहां पे एन जो दिखा रहा है इंफिनिटी तक जा रहा है। अच्छा ध्यान दो, यहां से जो वैल्यू आएगा, सपोज ये तुम्हारा आया, तो दो केसेस हो सकते हैं, साइन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2n π + π/2। अब यहाँ पे n का वैल्यू कुछ भी रखो, सपोज n का वैल्यू 0 रखें तो π/2 हो रहा है, उस केस में फेल हो जाएगा, यस और नो? n का वैल्यू -1 रखें तो, -1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, -2π या +π/2, यस और नो? -3π/2 आएगा, वो भी फेल हो जाएगा। n इज इक्वल टू 1 रखें, वो भी फेल हो जाएगा, इट मीन्स पॉसिबल नहीं है, ठीक है? अब सेकेंड में देखो, सेकेंड साइन ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, इसमें बस एन इक्वल टू जीरो पॉसिबल रहेगा, एन इज इक्वल टू जीरो पॉसिबल होगा, तो जब जीरो पॉसिबल होगा तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन पाई, सिर्फ जीरो लेंगे तो एन पाई, तो एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, प्लस माइनस एन पाई का स्क्वायर रूट और प्लस माइनस इधर, जहां पे एन का वैल्यू क्या होना चाहिए, एन इंटू पाई है, तो एन वैल्यू क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए और जीरो होना चाहिए, तो n जनरली बिलोंग्स टू r लिया जाए, n बिलोंग्स टू इंटीजर लिया जाता है, तो यहाँ जो पॉसिबल वैल्यू होंगे n का वो क्या हो जाएगा, जीरो से स्टार्ट होगा, 1, 2, 3 एंड सो ऑन, तो क्या होना चाहिए, x का जो वैल्यू हो गया वो प्लस माइनस स्क्वायर रूट n पाई, वेयर n बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, 0, 1, 2 एंड सो ऑन, इंटीजर ही होगा ना, तो ऑप्शन किस में जा रहा है, ए, ए. ठीक है, जीरो से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ देखो कंफ्यूजिंग के लिए जीरो दिया ही नहीं था, यस और नो? यस सर, क्वेश्चंस तो तुम सॉल्व कर लिया था, वो लास्ट में तुम कंफ्यूजन में आ गया, यस सर, फाइनल स्टेप में, ठीक है, चलो ये यूज किया था ना यहाँ, आंसर सही है ना? हाँ आंसर फर्स्ट, ठीक है, पहले तुमको ये फाइंड करना था, देन एफ ऑफ एफ में पुट कर देना था उसका वैल्यू, यही किया है ना? यस सर, ओके नेक्स्ट, अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है, देन क्वेश्चन एक लिख लो, एग्जांपल 4 कितना बता दिए, सर 4 हो गया है, एग्जांपल 5, एफ ये तो बन जाएगा, ये नहीं बताता हूँ, ये तो क्वेश्चन बन ही जाएगा, ये भी जेई में पूछा हुआ था, चलो ये बनाओ एग्जांपल 5, थोड़ा डिफरेंट टाइप का है, इफ जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2 - x³ एंड एफ ऑफ जी एक्स इज इक्वल टू -x + 5x⁻³ -x⁻²³, देन फाइंड एफ ऑफ एक्स, फाइंड कीजिए, अरविंद यस सर, बन जाएगा, सोच रहे हैं सर, इसमें शायद रिवर्स डायरेक्शन में सोचना होगा,
कुछ सोच पाया? सर f ऑफ 2 माइनस x क्यूब का वैल्यू दिया हुआ है हम लोग के पास, तो फिर 2 माइनस x क्यूब को y अज्यूम कर लेंगे और फिर x का वैल्यू निकाल लेंगे इन टर्म्स ऑफ y. हाँ सही सोच रहे हो. देखो f ऑफ जी एक्स है, ठीक है, तो इधर जो आएगा पार्ट में वो क्या होना चाहिए, जी एक्स के फॉर्म में ही बनना चाहिए, है कि नहीं? जैसे क्या कहते हैं कि जैसे एफ एक्स इज इक्वल टू, चलो एक्स माइनस थ्री दे दिए, ठीक है, और एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स, ठीक है, जी एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स. तो हम लोग यहाँ पे एफ ऑफ जी एक्स अगर लिखते हैं तो क्या लिखते हैं, जी एक्स का होल स्क्वायर और माइनस थ्री जी ऑफ एक्स, ठीक है, उसके बाद एक्स पुट कर देते हैं, है कि नहीं? तो जी ऑफ एक्स के फॉर्म में आना चाहिए, उसके बाद क्या कर देंगे, रिप्लेस कर देंगे. तो यहाँ से क्या करेंगे, एक्स का जो वैल्यू है जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू टू माइनस एक्स क्यूब दे दिया है, तो यहाँ से जो एक्स का जो वैल्यू आएगा वो क्या आएगा बताओ, टू माइनस जी ऑफ एक्स का क्यूब रूट. हाँ बताओ क्या आ जाएगा, टू एक्स इज इक्वल टू टू माइनस जी एक्स का वन बाई थ्री. अब वहां पुट कर दो तो क्या हो जाएगा, एफ ऑफ जी एक्स इज इक्वल टू माइनस टू माइनस जी ऑफ एक्स, ठीक है, यस और नो? यही होगा ना, वन बाई थ्री एक्स इज इक्वल टू, ओके, देन वन बाई थ्री क्वेश्चन में. अच्छा सॉरी, वन बाई थ्री, वही वही प्रॉब्लम हो रहा है, यहाँ पे वन बाई थ्री कर लेना, ठीक ना? तो एक्स पे पावर वन बाई थ्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टू माइनस जी एक्स, ओके, वैसे भी रहता कोई प्रॉब्लम नहीं होता, टू माइनस जी एक्स प्लस यहाँ बताओ फाइव इंटू टू माइनस जी ऑफ एक्स माइनस टू माइनस जी ऑफ एक्स का क्या हो जाएगा जी, सर पहले स्क्वायर क्यूब रहेगा ना टू माइनस जी ऑफ एक्स का, हाँ क्यूब, ठीक है, हो गया, अब सॉल्व कर लो और देन क्या कर देना, जी एक्स को एक्स से रिप्लेस कर देना, समझ में आ गया ना? यस सर. अब जी एक्स इज इक्वल टू क्या कर देना, एक्स लिख देना, तो फंक्शन आ जाएगा एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस टू माइनस एक्स का होल क्यूब प्लस फाइव इंटू टू माइनस क्या हो जाएगा, एक्स माइनस टू माइनस एक्स का होल स्क्वायर. यस और नो? यस सर. कोई दिक्कत नहीं ना समझने में? नो सर. ओके, तो इस तरह से क्या करना है, फाइंड आउट करना है. अब देखो नेक्स्ट कुछ वेरिएशन है इसमें पीस वाइज के लिए, एग्जांपल नंबर कितना, फाइव था ना, सिक्स, ये पीस वाइज के लिए है. लेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वन एक्स स्क्वायर एक्स लेस देन जीरो और एक्स ग्रेटर देन जीरो. यहाँ पे जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू टू एक्स व्हेन एक्स का जो वैल्यू है माइनस वन से वन के बीच में, ठीक है, वन पे क्या हो जाएगा, ओपन इंटरवल है. थ्री माइनस एक्स जब एक्स का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू वन है. यहाँ पे फाइंड करना है
जी ऑफ एफ एक्स कैसे फाइंड करोगे? देखो इसको फाइंड आउट करने के लिए क्या करना है, रेंज ऑफ एफ इज अ सबसेट ऑफ डोमेन, इतना सोचना नहीं है, इसको फाइंड आउट अगर करना है तो देखो क्या करोगे, जी ऑफ एफ एक्स राइट दिस इज इक्वल टू, जहां जहां एक्स है वहां पे क्या करोगे, एफ एक्स पुट करोगे, तो टू एफ एक्स, यस और नो, थ्री माइनस एफ एक्स, अब यहां पे क्या आ जाएगा, माइनस वन लेस देन इक्वल टू एफ एक्स लेस देन वन, यहां भी आ जाएगा एफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू वन, यस और नो, ठीक है? यस सर। अब ध्यान देना, अब टू ऑफ एफ एक्स, एफ एक्स में क्या करोगे, दो वैल्यू पुट करना है, एक बार एक्स प्लस वन यहां पे पुट करोगे तो यहां भी एक्स प्लस वन आ जाएगा एफ एक्स में, जब एक्स स्क्वायर यहां पे रखोगे तो यहां भी एक्स स्क्वायर, वहां दिख रहा है एरो, यहां भी एक्स स्क्वायर आ जाएगा, जब एक्स प्लस वन पुट करोगे यहां पे तो यहां भी एक्स प्लस वन आ जाएगा, एक्स स्क्वायर जब पुट करोगे यहां पे तो यहां भी एक्स स्क्वायर आ जाएगा, उसके अकॉर्डिंग क्या लेना है, कॉमन सॉल्यूशन लेना है, ठीक है? उसके अकॉर्डिंग वो जो सेटिस्फाई करेगा वो, इट मींस ये अपना डोमेन लेकर के आएगा राइट, और यहां से जो एफ एक्स पुट करेंगे उसके बाद जो एक्स का, देखो एफ एक्स तो होना नहीं चाहिए, जब भी जो इनपुट लिया जाता है वो किसके टर्म्स में लिया जाता है, एक्स के टर्म्स में, तो एफ एक्स वहां प्रॉब्लम कर रहा है, तो एफ एक्स को क्या करना है, रिड्यूस करना है इन टर्म्स ऑफ किसके, एक्स के टर्म्स में, एक्स, हाँ, तो एफ एक्स इसके साथ क्या करोगे, अगर एक्स प्लस वन ले रहे हो तो एक्स प्लस वन आएगा और इसके साथ ही इंटरसेक्शन ले लेना राइट, यहां से जो एक्स आएगा वो और इसके साथ, वो बताता हूं, लेकिन इसको इजी करने के लिए जो यूज किया जाता है, तो यूज क्या किया जाएगा, प्लॉट द ग्राफ ऑफ जो यहां पे जा रहा है एफ एक्स जा रहा है, ग्राफ ऑफ, मोर कन्वीनियंट होता है ये इसीलिए एफ एक्स, तो एफ एक्स का ग्राफ प्लॉट करो, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्चुअली है क्या, क्या था जी, एक्स प्लस वन, जब एक्स का वैल्यू लेस देन जीरो था, एक्स स्क्वायर जब एक्स का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है, यही है ना कंडीशन, यस सर, अच्छा एक में इक्वल टू जीरो, एक में ग्रेटर देन, एक मिनट देखने दो, हाँ ठीक है, यहाँ ग्रेटर देन इक्वल टू कर देना राइट, अब ध्यान दो इसका ग्राफ जब बनाओगे, सिंपल ग्राफ होगा, क्वेश्चन इस तरह से भी पूछेगा तो सिंपल ही रहेगा, कॉम्प्लिकेटेड नहीं करेगा, एक्स प्लस वन, एक्स प्लस वन का जो ग्राफ प्लॉट करोगे तो जाएगा यहाँ पे, ये ओपन होगा, यस सर, एक्स स्क्वायर ये हो गया एक्स लेस देन माइनस, एक्स लेस देन जीरो के लिए, एक्स स्क्वायर का ग्राफ, ठीक है, ये हो गया एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो के लिए, ये वाला ग्राफ एक्स लेस देन जीरो के लिए राइट, अब ध्यान देना, ये बोल रहा है कि माइनस वन से वन के बीच में, ठीक है, तो माइनस वन से वन के बीच में, इट मींस ये वाई वैल्यू बता रहा है ना जी, यस और नो, एफ एक्स का वैल्यू बता रहा है माइनस वन से वन के बीच में, तो ये माइनस वन हो जाएगा और ये वन हो जाएगा, बोलो, yes, तो माइनस वन से वन के बीच में लेंगे तो देखो क्या क्या आएगा, दो केसेस आएंगे, x का वैल्यू माइनस टू से वन के बीच में, एग्जैक्टली, यहाँ पे माइनस टू हो जाएगा और जीरो हो जाएगा फर्स्ट में, माइनस टू से लेस देन एक्स लेस देन कहाँ पे, जीरो, और अगर इक्वल टू लगा हुआ है तो इक्वल टू यहाँ पे लगा दो, ठीक है, ये कब होगा, जब x प्लस वन लेंगे एफ एक्स इज इक्वल टू, यस और नो, यस सर, सेकंड में होगा x का वैल्यू, ये देख लो, इसके लिए जब वन आएगा तो जीरो से क्या आ रहा है, वन, इसका भी कंसीडर करोगे ना, यस सर, तो इसमें क्या लिखोगे, जीरो से
x less than 1, जब क्या होगा एफ एक्स इज इक्वल टू क्या लेंगे एक्स स्क्वायर लेंगे, है ना। तो अब दो में ब्रेक कर लो, एक बार एफ एक्स यहाँ पे पुट करो एक्स स्क्वायर, एक बार क्या करोगे एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वन पुट करोगे यहाँ पे, तो दो में स्प्लिट हो जाएंगे और कंडीशन ये हो जाएगा दोनों के अलग अलग, ठीक है। अब देखो एफ एक्स का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू वन के लिए, तो एफ एक्स का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू वन के लिए क्या एक ही कंडीशन जा रहा है ना, वन से बड़ा, तो इसके कोरस्पॉन्डिंग क्या आएंगे ये वैल्यू वन ही आएगा, ये सो नो। तो इसमें जो पुट करोगे तो फंक्शन ओनली क्या पुट करोगे ये एक्स स्क्वायर यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा क्या एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू वन ही। समझ में आया क्या बताना चाह रहा हूँ वो? यस सर। तो फाइनली जो जी ऑफ एफ एक्स आएगा वो क्या लिखोगे बताओ? किसे बता रहे हैं? टू इंटू एक्स प्लस वन, जब एक्स का वैल्यू माइनस टू लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन क्या होगा जीरो, और टू एक्स स्क्वायर जब एक्स का वैल्यू क्या होगा ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, जीरो से वन के बीच में ना, फिर थ्री माइनस एक्स स्क्वायर जब एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू वन, चेक कर लो। यस सर। चेक करो यस और नो? यस सर। तीन पार्ट आ जाएगा, तीन ही पार्ट में। अब देखो अगर जनरली अगर बनाना चाहते हो, ठीक है, देखो मोर कन्वीनियंट होता है कि जो जिसमें जो फंक्शन है इनपुट बन रहा है उसका क्या करेंगे ग्राफ प्लॉट कर लेंगे, उसके अकॉर्डिंग क्या जाना है रिवर्स में सोचना है कि एक्स पे जाना है, ना कि वो जो वैल्यू आएगा वो रेंज बेसिकली होता है, है ना। ये रेंज दिया हुआ है उसके क्रॉसपॉन्डिंग एक्स का इंटरवल लेना है, राइट। अगर इसको बनाना चाहते हो प्रोसेस से डायरेक्टली, तो एफ एक्स जो वैल्यू दिया हुआ है, एफ एक्स वैल्यू क्या दिया हुआ है बोलो तो, सॉरी एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स प्लस वन एक्स लेस देन जीरो, इसको जाने तो दो, एक मिनट। हाँ एफ एक्स इज इक्वल टू क्या दिया हुआ एक्स प्लस वन जब एक्स का वैल्यू लेस देन जीरो, एक्स स्क्वायर एक्स का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, जी एक्स टू एक्स जब एक्स का वैल्यू क्या था माइनस वन, माइनस वन से इक्वल टू एक्स लेस देन वन, और यहाँ पे थ्री माइनस एक्स जब एक्स का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू वन। अब फाइंड करना था जी ऑफ एफ एक्स, तो देखो क्या होगा, एक बार क्या करेंगे पुट करेंगे ये वाले, ठीक है, पहले फिक्स करते हैं, पहले फिक्स यहाँ पे एफ एक्स को ये वाले करते हैं, तो यहाँ पे पुट करना है जी ऑफ एफ एक्स में, तो क्या हो जाएगा टू इंटू एक्स प्लस वन, ठीक है। अब जो वैल्यू है इसका डोमेन एज इट इज जाएगा, तो एक्स प्लस वन लेस देन माइनस वन वन इक्वल टू, ठीक है, यहाँ पे चला जाएगा एंड इंटरसेक्शन लेंगे एक्स लेस देन जीरो, माइनस हाफ और हाफ रहेगा ना, कैसे टू एक्स नहीं एफ एक्स फिर लगा लेना कंडीशन, ठीक है तो ये जाएगा ना यहाँ पे एफ एक्स पुट होगा ना, नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है। अब देखो फिर से क्या करेंगे ये वाले पार्ट को यहाँ पे पुट करेंगे, तो लिखेंगे थ्री माइनस एक्स प्लस वन, अब क्या जाएगा इसका अपना जाएगा और यहाँ पे पुट हो जाएगा एक्स प्लस वन ग्रेटर देन इक्वल टू वन एंड एक्स लेस देन जीरो, यस और नो? यस सर। अब देखो अब एक्स स्क्वायर वाले को ले रहे हैं, तो टू इंटू एक्स स्क्वायर, अब देखो एक्स स्क्वायर यहाँ पे जाएगा
तो माइनस वन लेस देन इक्वल टू एक्स स्क्वायर लेस देन वन एंड ये अपना जाएगा एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो डोमेन लेकर के उसका इंटरसेक्शन लेना है, देन एक्स स्क्वायर अब जाएगा तो थ्री माइनस एक्स स्क्वायर, अब इसका अपना वहां पे पुट करेंगे तो एक्स क्या होना चाहिए एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू वन एंड एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, यस और नो? ठीक है, अब क्या करेंगे सॉल्व करेंगे, फर्स्ट वाले में जो आएगा, फर्स्ट वाले में देखो एक्स लेस देन जीरो और यहाँ पे क्या है माइनस वन से इसको सॉल्व करेंगे क्या आएगा बताओ, जी ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू, समझ में आ रहा है, टू एक्स प्लस माइनस टू से जीरो आएगा, माइनस टू से जीरो इसके साथ इंटरसेक्शन ले गए तो माइनस टू से जीरो, ठीक है, फिर थ्री माइनस इसके लिए बताओ एक्स प्लस वन ग्रेटर देन मीन्स एक्स ग्रेटर देन क्या हो जाएगा इक्वल टू जीरो, और यहाँ एक्स लेस देन जीरो कॉमन पॉइंट नहीं आएगा, ठीक है खत्म हो जाएगा, यस और नो? अब ये बच जाएगा टू एक्स स्क्वायर, यहाँ पे कॉमन लेंगे तो देखो जीरो से बड़ा के लिए होना चाहिए तो माइनस वन तो होगा नहीं, अभी एक्स स्क्वायर है तो माइनस ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर लेस देन वन बचेगा तो माइनस वन से एक्स लेस देन वन के बीच और इसको ग्रेटर देन जीरो के साथ लेना है तो यहाँ से बचेगा जीरो से वन, है ना, यस और नो? ग्रेटर देन जीरो पे इक्वल टू नेक्स्ट वन, रिजल्ट वही आएंगे थ्री माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे वन से बड़ा और वन से छोटा तो एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू वन इसके साथ इंटरसेक्शन लेंगे तो यस और नो? यस सर। अब कौन सा इजी पड़ा उसके अकॉर्डिंग तुमको सोच लेना है, ठीक है, वैसे ग्राफ वाला मोर कन्वीनियंट होता है, ठीक है बन जाएगा, ये पीस वाइज फंक्शन के लिए है तो बाकी एक दो क्वेश्चंस दे देते हैं, क्या कर लेना प्रैक्टिस कर लेना, एफ एक्स इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ मॉडुलस एक्स माइनस थ्री माइनस टू, ये जीरो लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू फोर एंड जी एक्स इज इक्वल टू फोर माइनस मॉडुलस ऑफ टू माइनस एक्स माइनस वन लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू थ्री, देन फाइंड एफ ऑफ जी एक्स, इसका आंसर बता देता हूं, एफ ऑफ जी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वन थ्री माइनस एक्स एक्स माइनस वन माइनस वन माइनस वन लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन वन वन लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू 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 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू थ्री, ठीक है और भी दे दूं क्या अरविंद सर? एक और, एक और, ठीक है एक मिनट क्या हुआ इसका, क्या हुआ यार नहीं ऊपर जा रहा है, ज्यादा पेजेस लिख दिए हैं क्या? हाँ ठीक है ओके, सेकंड में एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वन प्लस एक्स थ्री माइनस एक्स जीरो लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू 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 लेस देन एक्स लेस देन इक्वल टू थ्री, फाइंड एफ ऑफ एफ एक्स, है ना, इसका भी आंसर बता दो। नो सर,
नहीं आंसर तो मैच कैसे करोगे, एक्स प्लस टू, टू माइनस एक्स, फोर माइनस एक्स, यहाँ पे जीरो लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू वन, वन लेस देन एक्स लेस देन इक्वल टू टू, टू लेस देन एक्स लेस देन इक्वल टू थ्री, ठीक है ये दोनों मैच कर लेना। अब एक डिफरेंट टाइप का प्रॉब्लम एक और प्रैक्टिस में ही लिख लेना, थर्ड नंबर, इफ एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, एक्स बिलोंग्स टू रेशनल नंबर्स, वन माइनस एक्स, एक्स बिलोंग्स टू इरेशनल नंबर, है ना, तो फाइंड f ऑफ एफ एक्स, हो जाएगा? यस सर, ठीक है। इस फंक्शन को एक नेम दिया जाता है, रेशनल और इरेशनल, जैसे पढ़े होगे कि एफ एक्स इज इक्वल टू वन होता है जब एक्स बिलोंग्स टू रेशनल, जीरो एक्स बिलोंग्स टू इरेशनल। इस टाइप के फंक्शन को, इस हालांकि इस फंक्शन को भी बोला जाएगा डिरिचलेट फंक्शन, पढ़े हो या डिरिचलेट फंक्शन? नो सर, ऐसे नेम से कुछ मतलब नहीं है, डिरिचलेट फंक्शन, ठीक है, रेशनल इरेशनल फाइंड करना। अब एक टाइप का फंक्शन है, ध्यान दो, क्वेश्चन दे देता हूँ, प्रैक्टिस कर लेना, नेक्स्ट क्लास में ही स्टार्ट करूंगा। लेट एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस वन डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वन, एफ स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एफ एक्स, एफ क्यूब ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एफ स्क्वायर एक्स, ठीक है। एफ ऑफ के प्लस वन एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एफ के एफ टू द पावर के एक्स, ठीक है। फाइंड एफ ऑफ 2020 एक्स, इसका वैल्यू फाइंड करना है, क्या आएगा जो बन जाएगा इस साल का जी एडवांस कुछ है क्या 2020? हाँ मेरे ख्याल से होना तो चाहिए, 2020 है तो, ठीक है। उसके बाद एक और बन जाएगा, ऐसे क्वेश्चन में क्या सोचोगे ये बताओ, पैटर्न आइडेंटिफाई करेंगे। हाँ तो क्या करना पड़ेगा, एफ एक्स का दिया हुआ है, एफ स्क्वायर एक्स का वैल्यू फाइंड करना है, एफ क्यूब एक्स का, जनरली पैटर्न को मल्टीप्लिकेशन में किए थे। हाँ, जो पैटर्न का ऑब्जर्वेशन के लिए क्या करना रहता है, थ्री टर्म्स, अगर थ्री टर्म्स से पैटर्न नहीं पता चल रहा है तो क्या करेंगे, फोर टर्म्स के बारे में सोचेंगे, फोर्थ वाले में, वहां से पता चल ही जाएगा ये नहीं होगा अप टू फोर्थ तक, तो वो ध्यान रखना। तो थर्ड तक नहीं पता चलेगा तो फोर्थ फाइंड करेंगे, फोर्थ देखेंगे कि क्या आया है। इफ एफ एक्स इज इक्वल टू थ्री प्लस फोर एक्स, देन फाइंड एफ टू द पावर एन एक्स, चलो इतना क्वेश्चन रह गया, इसका वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है, जो रहा वो होमवर्क में, बाकी नेक्स्ट क्लास में ही अब कंटिन्यू किया जाएगा। इनवर्स, इनवर्स में क्या, इनवर्स फंक्शन के लिए कंडीशन क्या होता है, on one and on two. For inverse function, existence of inverse function. Function must be one one and on two, है ना? इसको क्या बोला जाता है जी, सब्जेक्टिव फंक्शन, इसी को बोला जाता है ना, बाइजेक्टिव, सॉरी लिख लेना,
सर इंजेक्टिव किसको बोलते हैं? वन वन फंक्शन को, सर्जेक्टिव ऑन टू फंक्शन को, और जो इंजेक्टिव और सब्जेक्टिव है वो बाइजेक्टिव है। बाइजेक्टिव होता है। ठीक है, यहाँ पे करेक्ट कर लेना। बाइजेक्टिव फंक्शन, ठीक है। अब ध्यान दो, जैसे y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x का ग्राफ बनाना है, बहुत सिंपल होता है। तो करना क्या है इसमें, जैसे y इज इक्वल टू साइन x का ग्राफ क्या होता है, वेव रहता है। हाँ ठीक है, इसमें जो इनवर्स फंक्शन होते हैं वो डिफाइंड होते हैं माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू बीच में। ठीक है, तो यहाँ देखेंगे कि x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, साइन y का, साइन y का ग्राफ बना देना है। कहाँ से साइन y का ग्राफ बताओ, y पे चला जाएगा ना जी, बोलो। यस सर, ऐसे ही जाएगा ना। यस सर, देखो क्योंकि ये आगे इस तरह से जाएगा, मतलब साइन y का ग्राफ बना दो और उसको कहाँ से कहाँ ले लेना है बताओ वैल्यू। ये वाला पॉइंट्स क्या होगा, एग्जैक्टली पाई बाई टू चला जाएगा। जैसे ये हुआ तो वो बेसिकली वाई में चेंज हो जाता है माइनस पाई बाई टू। तो ये ग्राफ टैन एक्स के लिए वाई इज इक्वल टू टैन इनवर्स एक्स का ग्राफ बनाना है, तो क्या करेंगे, एक्स इज इक्वल टू टैन वाई का ग्राफ बनाएंगे। ठीक है, ये क्या होता है, टैन एक्स का जब ग्राफ बनाते हैं तो ये बेसिकली क्या होता है जी, वन वन ऑन टू फंक्शन ही होता है, माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू तक वन वन ऑन टू फंक्शन होता है। तो वही होगा इसके लिए बनाएंगे, तो बोलो अदरवाइज इनवर्स ले लो, मिरर इमेज ले लो उस फंक्शन का, तो देखो इसका कैसे जाएगा, जस्ट रिवर्स ऑर्डर, यही होगा ना। यस सर, यस और नो, मेरे ख्याल से हाँ ना, ये हो जाएगा माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू sec, अगर cos का बनाएंगे y is equal to cos inverse x का, इसका तो कैसे जाएगा, 0 से पाई लेते हैं इस तरह से, यस सर है ना, माइनस 1 से 1 के बीच में 0 से पाई लिया जाता है। क्यों, 0 से पाई के बीच में ही क्या होता है फंक्शन, 1 on 2 होता है, on 2 होता है। अब y is equal to sec inverse x का अगर ग्राफ बनाना है तो कैसे प्लॉट करोगे, दो टुकड़ा में प्लॉट होता है। अच्छा, दो टुकड़ा में, ये इसका जो डोमेन होगा, रेंज होगा, वो क्या होगा, मॉड ऑफ सेक एक्स ग्रेटर देन वन होता है। नहीं, इसका इस सेक इनवर्स एक्स का किसके बीच में लाई करेगा, जो वन वन फंक्शन होता इसका है, रेंज जीरो से पाई होगा जो कॉस एक्स का था। हाँ, तो वही वही पूछ रहा था, sec इनवर्स x का रेंज 0 से पाई, राइट, कहां पे अनडिफाइंड होता है, 2n plus 1 पाई बाई 2, हाँ तो पाई बाई 2 पे अनडिफाइंड होगा, तो y is equal to पाई बाई 2 हो गया, यहां पे अनडिफाइंड हो जाएगा, क्योंकि इस तरह से सोचो ना, x is equal to sec y, है ना, 0 से पाई के बीच में बनाना है, तो sec y का ग्राफ बनाना है, बताओ क्या होगा, सर 1 से जाएगा इंफिनिटी तक, फिर माइनस 1 पे पाई होगा, वहां से जाएगा माइनस इंफिनिटी तक। अच्छा इस तरह के, यस सर, गुड, यही ना, यस सर, जो अनडिफाइंड वाले लाइन रहेंगे वो उधर इंफिनिटी को अप्रोच करेगा, और ये तो श्योर है कि माइनस 1 के 1 के बीच में एग्जिस्ट करेगा ही नहीं, तो ग्राफ इसी तरह से चला जाएगा। अदरवाइज ग्राफ बनाना है तो x इज इक्वल टू सेक वाई का पूरा को क्या करना है, 180 क्या किए हैं, जैसे x एक्सिस को चेंज कर दिए y एक्सिस में, और y को क्या किए हैं, x एक्सिस में चेंज कर दिए, इसी को चेंज कर दो ना, यहाँ पे जो ग्राफ होता है वो क्या होता है जी, इस तरह से आता है, और फिर इस तरह से चला जाता है, तो इसी को बेसिकली क्या किए हैं, रोटेट कर दिए हैं,
है ना, 90 डिग्री से रोटेट कर दो ना तो वो आ जाएगा, आ जाएगा सर। रोटेट करके फिर रिफ्लेक्शन लेना होगा। हाँ, रोटेट करके रिफ्लेक्शन लेना पड़ेगा, राइट, रोटेट करके रिफ्लेक्शन लेना होगा। ये पाई बाई टू लाइन हो जाएगा, नहीं रोटेट कर दो ना, नहीं आएगा रोटेट करने पे, सही बात है, हाँ रिफ्लेक्शन ठीक लेना है ही ठीक है, पड़ेगा। हाँ रिफ्लेक्शन लेना पड़ेगा वो, फिर वाई एक्सिस में रिफ्लेक्शन लेना पड़ेगा, गुड, ठीक है रोटेट करने के बाद रिफ्लेक्शन लेना पड़ेगा, सही है, ओके देन। अच्छा बताओ, अगर सपोज उसका डोमेन एंड रेंज तो पता है ना क्या क्या होता है जो इनवर्स फंक्शन का, यस सर। तो डोमेन रेंज तो ये बताना, साइन इनवर्स माइनस रूट थ्री बाई टू का वैल्यू बताओ क्या होगा, माइनस पाई बाई थ्री। माइनस पाई बाई थ्री, क्योंकि साइन इनवर्स एक्स का जो रेंज होता है माइनस पाई बाई टू टू पाई बाई टू में ही देना चाहिए, ठीक है। चलो एक और ऐसे ही रैंडम क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, साइन इनवर्स साइन फाइव पाई बाई थ्री, इसका वैल्यू बताओ क्या होगा, बस रफली ये लास्ट है, उसके बाद नेक्स्ट क्लास में ही स्टार्ट करूंगा, ग्राफ के ग्राफ तो माइनस आते फाइव बाई हैं, थ्री माइनस पाई बाई थ्री कैसे बनाया, सर, फाइव फाइव बाई थ्री को वो एग्जैक्टली अपना ठीक, डोमेन में ले आए, मतलब रेंज में। नहीं, तो ऐसे नहीं करना, रेंज में क्यों, डायरेक्टली इसका वैल्यू फाइव पाई बाई थ्री का वैल्यू रख दो, साइन फाइव पाई बाई थ्री का वैल्यू कितना होता है, साइन ऑफ माइनस फाइव बाई थ्री के इक्वल होगा, तो उससे कर लिए। अच्छा हाँ तो ठीक है, वैसे भी कर सकते थे, ऐसे वैल्यू रखोगे तो रूट थ्री बाई टू ही होता है ना, यस सर। अब रूट थ्री बाई टू, अब ये सिंपली रिड्यूस हो गया, साइन माइनस माइनस रूट थ्री बाई टू दिस इज इक्वल टू माइनस फाइव बाई थ्री, इस तरह से कुछ, वो अभी प्रॉपर्टीज बताई नहीं है इसीलिए, ये ग्राफ बताए थे क्या, साइन इनवर्स वाई इज इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ, नो सर। नहीं ना, इस तरह से जो जाता है, नहीं ना बताया, चलो नेक्स्ट क्लास में वो सब बताता हूँ, नेक्स्ट क्लास में ही स्टार्ट करूँगा, ठीक है, और जो क्वेश्चंस दिए हैं वो बना लेना, सर एक डिटरमिनेंट का क्वेश्चन था सर, क्लास क्या में दिए थे आप। बना था, सर एक क्वेश्चन था सर, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर